हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। आप इसे पूरी, पराठे, दाल चावल, नान किसी के साथ भी इसका इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये चटनी का आप यहाँ तक कि इसे चाट में या दही भल्ले में भी डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। खट्टी मीठी तीखी सी चटपटी चटनी बनती है। तो देख लीजिए, इस तरह से हमें चटनी को बनाना है। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार होती है। अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। लाइक देने से मेरा मनोबल जो है बढ़ता है और मुझे खुशी होती है। तो मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लाने के लिए ज़रूर ट्राई करती रहूँगी। तो इसके लिए आप एक चैनल में ज़रूर मेरी लाइक कर दीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नींबू की खट्टी मीठी सी चटनी बनाना। नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए देखिए मैंने चार नींबू लिए हैं और चारों नींबू के अब छिलके को हमें निकाल लेना है। नींबू के छिलके उतारते समय थोड़ी सी सावधानी रख के हमें उतारनी होगी कि इसके छिलके जो होते हैं सख्त होते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके हमें इसके छिलके को उतारना होगा। देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़े करके हम धीरे धीरे करके नींबू के छिलके को उतार लेंगे। देखिए मैंने चार नींबू के छिलके को निकाल लिया है और जो छिलके बचे हैं इसका मैं फेस पैक बना के उसका उपयोग करूँगी। इसका फेस पैक बहुत ही अच्छा बनता है। अब नींबू को हम काट लेंगे। नींबू का हाथ में रस लग जाने से नींबू काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये देखिए, अब प्लेट में ही हम रख के काट लेते हैं इस तरह से। काटने के बाद हम सभी बीजों को अब अलग कर लेंगे, नींबू के जितने भी बीज हैं। नींबू के बीज अगर मुंह में आएंगे तो कड़वे भी लगेंगे, इसलिए हम इसके बीजों को अलग कर लेंगे। अब एक जार लेंगे हम। और सभी नींबूओं को जार में डाल के हम इसे पीस लेंगे मिक्सी में। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। नींबू का पेस्ट बनके तैयार है। अब हम गैस की तरफ चढ़ते हैं। गैस पे देखिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है। इसमें अब हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुकी है तो अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। राई, दो मिर्च, लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते हैं उसका। थोड़े से तड़के को हम भून लेते हैं। तड़का भून जाने के बाद इसमें अब हम गुड़ डालेंगे। चार नींबू के लिए मैंने एक पाव गुड़ लिया है। आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं लेकिन गुड़ हेल्दी होती है और नींबू भी हेल्दी है। नींबू में काफ़ी विटामिन सी होती है और ठंड के दिनों में गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए, इसलिए मैंने गुड़ में इसे बनाया है। गुड़ को अब हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट होने देना है।
गुड़ को अच्छी तरह से तोड़ते हुए हम मेल्ट कर लेंगे। देखिए गुड़ हमारी मेल्ट होने भी लगी है। ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, तो बार बार बनाइएगा इस चटनी को। अब हम नींबू का पेस्ट जो है इसमें हम डाल देंगे। और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। एक चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, अगर आप लाल मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें, लेकिन चटनी में खट्टी मीठी तीखी चटनी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने डाला है। और भुने हुए जीरा का पाउडर एक चम्मच, हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ी सी नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं, एक चौथाई चम्मच करीब हम नमक इसमें डालेंगे, और थोड़ी सी एक काली नमक, ज़्यादा नमक इसमें हमें नहीं डालनी है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए चटनी हमारी करीब बन के तैयार है। एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को।